सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स अपना और इस सीज़न का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगे। आपको बता दें कि दोनों टीमें आज शाम आमने सामने होंगी, साथ ही दोनों टीमें अब इस इरादे से उतरेंगी कि दोनों इस सीज़न का अंत एक जीत के साथ करें, क्योंकि दोनों ही टीमें पहले से ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो मुंबई के साथ पिछला मुकाबला बेहद ही कम मार्जिन से टीम ने जीता। इसके अलावा टीम के लिए बड़ी खबर यह है कि केन विलियमसन अपने घर न्यूजीलैंड वापस लौट गए हैं, क्योंकि उनके घर एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया गया है, तो ऐसे में ग्लेन फिलिप्स उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और भुवनेश्वर कुमार टीम की कमान संभाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब किंग्स की तो टीम चाहेगी कि जीत के साथ छठे स्थान पर पॉइंट टेबल में ख़त्म किया जाए। मयंक अग्रवाल पहले से ही खुद भी अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो वह भी चाहेंगे कि कैप्टनसी पर सुधार किया जा सके और रन भी बनाए जा सके। वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो हमेशा से ही बैटिंग के लिए शानदार पिच जानी जाती है और ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने की एक बार फिर से उम्मीद होगी, तो टॉस जीतकर कप्तान पहले बल्लेबाजी की तरफ भी जा सकते हैं। हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो अभिषेक शर्मा, प्रियाम गर्ग, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, निकोलस पुरन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, फजलक फारूकी, अमरान मलिक, टी नटराजन शामिल हो सकते हैं। पंजाब किंग्स के लिए जोनी बेस्टो, शिखर धवन, भानुका राजपक्षा, लियाम लिविंगस्टन, मयंक अग्रवाल, जितेश शर्मा, हरप्रीत बरार, ऋषि धवन, कगिसुर अबाड़ा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह शामिल हो सकते हैं। टॉप परफॉर्मर की बात करें जिन पर नजरें होंगी तो अभिषेक शर्मा, प्रियाम गर्ग के साथ राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम पर हैदराबाद की नजरें होंगी, साथ ही गेंदबाजी में उमरान मलिक और टी नटराजन पर नजरें होंगी। पंजाब के लिए जोनी बेस्टो, शिखर धवन क्या कुछ करते हैं, साथ ही लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की क्या कुछ पारी आती है देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी में कगिसुर अबाड़ा, राहुल चेर और अर्शदीप सिंह पर नजरें होंगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।